अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। तो आज फिर से हम लोग छोटा सा ब्लॉग लेके आए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा वीडियो बिना स्किप ना करें देखते रहिए। तनु ब्लॉग चालू है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तनु मनु देसी किचन, नहीं किचन नहीं, अभी किचन तो नहीं है। तनु मनु के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और हमारे साथ रहो। फ्रेंड, बहुत दिन के बाद ब्लॉग लेकर आई हूँ, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। हम लोग मार्केट के ओर निकले हैं ना, तो सोचे कि चलो छोटा मोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। कुछ खरीदारी करना था, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। और हमारे बच्चे पार्टी को तो दिखाओ। हाँ, काला लगाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड, देखिए रहा हमारा गाँव। और चेरी हुई से देखो कि हमें गाच में वो घूमा गाच में देखो लो चेरी रखा मैं देखियो ये तरफ का तरफ तो चेरी नहीं है, सबको खतोड़ ली से भीतर का तरफ हुई से फिर भी गिरता। तो फ्रेंड अभी टोटो में बैठ चुके हैं और अभी यहाँ पे हमारे अप्पू को देखो। अप्पू किधर जा रहे हैं बेटा? हाय बोल दो बेटा। किधर जा रहे हैं? अपना नाम बताओ। नाम मतलब इनका, इसका नाम बहुत सारा है। अप्पू है, कोको है और रियल नाम है नाजीब हुसैन। अब हम लोग जहाँ पर जा रहे थे ना फ्रेंड, वहाँ पे जाने के लिए टोटो पे 20 मिनट लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारा सरकारी अस्पताल, यहाँ पे मतलब सरकारी ओर से ना डॉक्टर बैठते हैं फ्री चेकअप के लिए, छोटा मोटा सा है। और यहाँ पर ना हार्ट भी बैठता है। तो देखिए यहाँ पे कितने कृषक लोग सब्जियाँ वगैरह लेकर बैठे हैं। और हमारे यहाँ का रास्ता इतना बेकार है ना, क्या बताऊँ। मतलब रोड कंस्ट्रक्शन वालों पर ना विश्वास ही नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना कुछ भी सामान दे देते और दो दिन में ना रास्ता ख़राब हो जाता है। अभी फिलहाल रास्ते का काम हुआ था और देखो अभी खराब हो गया। और इस रास्ते पे और इस टोटे पे बैठकर मेरे दिमाग में बस यही बात चल रहा था कि कौन दिशा से लेकर चले टोटो भैया, हाँ धीरे चलो हम पे रहम करो, रहम करो भैया। ऐसा फीलिंग हो रहा था उस वक्त। ফাস্ট চালাও গো দাদা তুমি টোটো, আমি প্রথমবার এত ফাস্ট টোটোতে বসেছি, নাহলে টোটো ধীরে ধীরে চলে তো ভালো ঝোপ করে পৌঁছে গেছে। পুতুল তো আছে বেটা, আপুকে রকম দে। हम लोग कुछ किचन का सामान खरीदने के लिए आए थे, जो कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। और अभी खरीदारी हो चुकी है तो अभी हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग चटोरे हैं तो चटपटे चीज़ तो बनता है ना, क्योंकि हमेशा दोनों एक संग बाहर नहीं निकलते। तो अभी यहाँ पे देखिए दो ही फुचका और पापड़ी चाट लगा है। और फुचका पानी पूरी तो घर पर जाता है ना, हम लोग सोचे कि चलो पानी पूरी नहीं खाते और दो ही फुचका और अभी पापड़ी चाट खाते हैं। पापड़ी चाट एक प्लेट लाओ और दो ही फुचका एक प्लेट लाओ, बेसी खावा जावे नहीं। বড়টাই নিচে মুখে যাবে নি, এই উপরেরটা লাও। Yeah.
কেমন গো और यहाँ पे देखिए दोई फुचका पापड़ी चाट खाने के बाद ना हम लोग जो खरीदारी किए थे ना वो भूल कर आ रहे थे और फिर से अभी बैग गई और देखो भाभी अभी सामान लेकर आ रही है। अभी टोटो पकड़ने के लिए फिर से थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा और अभी देखिए अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं और अप्पू तो अभी से थके जा रहा था तो देखते रहिए और साथ में साथ ना आया तो जिद करने लगी कि माँ मुझे पिज्ज़ा खाना है मुझे बॉम पिज़्ज़ा में ले चलो। तो अभी बच्चे की ख्वाहिश तो पूरी करनी है ना तो हम लोग अभी जा रहे हैं बॉम पिज़्ज़ा। तो ऐसे कोई बात नहीं कि हम लोग पार्टी करने के लिए आए थे हम लोग ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आए थे और ना कि चलो बच्चों को भी खुश किया जाए और अभी जा रहे हैं देखिए बॉम पिज़्ज़ा पर। तो अभी यहाँ पे बच्चे लोग मस्तियाँ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि भाभी नीचे गई है बच्चों के लिए चॉकलेट लेने के लिए क्योंकि ऑर्डर में वक्त लगता है। तो मैं अभी भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर दोगे आप देखो देखो क्या ऑर्डर दोगे क्या ऑर्डर दोगे मेरी ईद की ईद नहीं मिली है नहीं आया ने दो मुझसे ज्यादा तो आयत खा गई मुझसे ज्यादा आयत खा गई देखो देखो फ्रेंड ईद की ईद कब मिली मुझे अभी जबरदस्त खर्चा करने वाली है भाभी रेस्टोरेंट में लेकर आई फ्रेंच फ्राइज अलग से चिकन फ्राई पटेटो फ्राई पटेटो फ्राई এখানে এসে খাও এখানে এসে খাও মজা মজা এখানে এসে খাও ফুক দিয়ে খাও ফুক দিয়ে हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दिए थे फ्रेंच फ्राइज चिकन रेप और पिज़्ज़ा और चिकन रेप ना हम लोग पहली बार खा रहे थे और एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा टेस्ट हुआ सही में बहुत बढ़िया हुआ था और हम लोग अपने ऑर्डर से बहुत खुश थे और बहुत ही डिलीशियस थे और सही में हम लोग भी ना घर में इसको ट्राई भी करने वाले हैं लेकिन कुछ सामग्री चाहिए जिसके लिए हमारे घर पर नहीं है थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन इसको बनाने वाले हैं बहुत डिलीशियस था। और आखिर में आया पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस था। इससे पहले भी मैं आई थी लेकिन तब का पिज़्ज़ा ना 400 रुपया लिया था और उसका इतना टेस्ट अच्छा भी नहीं था लेकिन 150 रुपये के पिज़्ज़ा से ना बहुत ही हम लोग खुश हो गए थे क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा था लाइक चीज़ तो बहुत सारा था और चिकन भी अच्छा खासा था और उसमें जो बेबी कॉर्न का जो जब फीलिंग्स आ रहा था ना सही में कितना टेस्ट लग रहा था ना क्या बताऊँ। और भाभी बहुत मज़े के साथ खा रही थी और भाभी तो खाने के बाद भाभी का कुछ एक्सप्रेशन टाइप था लेकिन अभी ना इतना बैकग्राउंड से म्यूज़िक आ रहा था ना मैंने अभी यहाँ पे ना म्यूट कर दी हूँ और अब देखो इतना मेहनत से वीडियोस बनाए अगर कॉपीराइट पड़ जाता है तो कितना बुरा लगता है ना इसलिए यहाँ पे मैं म्यूट कर दी हूँ। और अभी देखो यहाँ पे आयत भी मज़े से खा रही है
और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, इनफैक्ट सभी को अच्छा लगा था, आयत को भी अच्छा लगा था, सिर्फ अप्पू को छोड़कर, क्योंकि वो तो मायपोस खाने वाला बच्चा है ना, उसको मायपोस के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। और अभी वो सिर्फ खा रहा था फ्रेंच फ्राइज, और यहाँ पे ना पिज़्ज़ा खा रहा था ना चिकन लेग खा रहा था। और अभी देखिए यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया और बिल पे भी हो गया, अभी जाएंगे घर। तो बच्चे तो भी बहुत खुश है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। डाक से घूरते डाक से चलिए अच्छा एक बड़ो हो जूता दुकान। अभी हम यहाँ पे टोटो पे बैठ चुके हैं, अभी घर के और रवाना देंगे। हो गए थे तो चार जन को तो जोन लीवे, चार जन तो हो गए थे। अब्बू का मुंह कहाँ, अब्बू देखे तो मुठो एदी के देख, ये तो चौधरी का चांद। देखिए जाते वक्त भी हार्ट बैठा था ना, अभी भी कुछ कुछ यहाँ पे हार्ट लेकर बैठे हुए हैं। खराब हो चुका था तो एक ट्राई पैन ली हूँ, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर लूँगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाभी आप भी आओ ना। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ, ये क्या कह दो। तो फ्रेंड्स तनु मनु का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप सबको बोलो। हम तो बैठो के हल्के तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। हाँ तो शेयर करना होगा ना, अगर तनु मनु का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। और आज के लिए खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और फिर ब्लॉग कब बनेगा पता नहीं, लेकिन कुकिंग के वीडियोस में सपोर्ट कीजिए और वीडियोस देखा कीजिए। आज के लिए खुदा हाफिज।